तो राजा भाई ये बताओ आज क्या बना रहे हो? आपकी बहुत डिमांड आ रही है, मैंने देखा कि मार्केट में आपकी बहुत सारी रेसिपियां घूम रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुर्ग मसाला हमने बना चुके हैं, आपके गोल्डन चिकन हमने बना चुके हैं, अब आज क्या बना खिलाओगे? अपन बना रहे काबुली चिकन, जिसमें चिकन अपन फ्राई करेंगे और उसको बाद में अपन बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसका मसाला तैयार करेंगे, फिर उसका पूरा मसाला आपको बताएंगे। मतलब जैसे 10 किलो चिकन डालते ना, तो 3 किलो काबुली चने डालते हैं, पर अपन इसमें डाल ले 1 किलो। अच्छा, क्योंकि अपने जयपुर में जो मैंने इससे पहले बनाया था तो मेरी उसकी डिमांड बहुत अच्छी थी। और ये अपना तेल, काबुल चिकन की तैयारी शुरू हो गई है भाई। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है तेल। भैया अपना जो सामान है ना, ये 10 किलो चिकन है अपना। अच्छा, चिकन की कटिंग देख लो। हाँ। ये तो अपना चिकन है, इसकी लेग पीस देखो आप कितने प्यारे प्यारे सोने सोने, बहुत बढ़िया। और इसके ये सब अपने 1 किलो के लगभग के बीच के चिकन है। अच्छा अच्छा, मतलब 1 किलो से 900 ग्राम के लगभग अपन चिकन लेते हैं। बहुत बढ़िया। और सबसे मेन बात अपन चिकन भी AB का लेते हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छा चिकन होता है AB का। हाँ, उससे बढ़िया चिकन कोई आता भी नहीं। पहले चिकन में पता चल गया जी, पहले चिकन में सूखना आता था, मैंने अभी सूखना थोड़ी पिटी भी कंपनी हो गई, तो इसलिए AB का सबसे बढ़िया चिकन आता है, बराबर रोटी का। तो भाई एक एक पीस कितना लिया? 10 किलो 8 किलो 10 किलो 10 किलो चिकन लिया है भाई। ठीक है ना, ये अपनी प्याज है, ये प्याज आ गई भाई, लच्छेदार देख सकते हो। हाँ जी, ये अपने टमाटर है, बहुत बढ़िया। ये अपनी छोटी मिर्ची है जी ना, वो हरी ठीक है। ये अपनी अदरक है, ये लहसुन है, ठीक है। ये अपना काबुली चने है भाई। सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है प्याज, ये अपन ब्राउन करेंगे इसको ना भाई। तो भाई ये करते हैं इन्होंने चने, इसको बॉईल किया जाएगा प्रॉपर ढंग से, एकदम गल जाए, है ना? बिल्कुल। ये चिकन के साथ जब आप खाओगे ना तो क्या मक्खन लगेगा। तो राजा भाई आप क्या कर रहे हैं? इसको अपन पाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, जब प्याज को बाहर निकालेंगे तो इसके बाद अपन लेंगे चिकन थोड़ा सा और आ जाए बादामी कलर। अच्छा, निकालेंगे अपन। आप ये अपन प्याज निकाल लेना भाई। अच्छा, ये चेक करो भाई, प्याज एकदम बढ़िया किया इन्होंने, अभी से फूट गए, अपने आप सूखने दोगे ना? हाँ, सूखने दे, जितने आगे का प्रोसेस पूरा। हाँ, ये पूरा अपना जा रहा, ठीक है भाई। 10 किलो चिकन बना रहे हैं, ये अपन इसको फ्राई नहीं कर रहे, अपन इसको पानी जो पानी होता ना उसको छेद रहे अपन। जब अपन इसको बांध लेंगे तो उसका पानी भी दिखाऊंगा आपको, तेल में कितना पानी पड़ा। रेसिपी बनाते हैं ऐसे नहीं, कुछ भी इनको सारी चीज पता है कि किस टाइम पे क्या चीज डालनी है और किस टाइम पे क्या चीज निकलेगी। देख लो भाई, वो अपन ने जो पूरा सब कर दिया है तेल में, अब अपन इसके पानी सूखने के बाद इसमें अपन मसाले डालेंगे। ठीक 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 है, ये अपना लहसुन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर अपन करेंगे 5 मिनट के लिए टमाटर को, लहसुन डालने के बाद सीधे टमाटर की। हाँ,
मिर्ची किसी भी जी कोई हानिकारक खराबन कुछ नहीं डाला अपने आप देख लो पूरा और टीकापन भी अपन इससे लेंगे ज्यादा ये अच्छा भैया गरम मसाला डाल रहे हैं ना तेज पत्ता है काली मिर्ची है इलायची है और जायफल है बाकी इसका जो मसाला ना वो अपन पिसा हुआ डालेंगे भाई आप देख सकते हो जो हमने टमाटर डाले थे ना भाई वो भी पूरा पानी बिल्कुल सब हो गया साफ हो गया ये देखो भाई अपने चने हो गए है ना अब इसको अपन पानी निकाल ये देखो कितना मोटा नमक इतना मोटा नमक तो तुझे आता भी नहीं है थोड़ा सा रोक लेते हैं और काम करते हैं अब आप इस मसाले के रंग देखो आप अच्छा आ गया फिर मुझे देखो मावा बनने ये अपना चिकन जाना ठीक है भाई चिकन को ऑलरेडी फ्राई कर लिया था ये अपना चिकन आप चेक करो आप इसको बिल्कुल मज़ा आ गया खाने वाले इसको भी खा सकते हैं बिल्कुल आप उसकी मजत धीरे धीरे सब चेंज होती रहेगी अब आप देखो उसको आपको दिखा रहा हूँ ना बिल्कुल बारीक हो गया ये अपन ने मशीन में ग्राइंड कराई थी ना थोड़ी सी भाई जो प्याज फ्राई की थी उसका बरिस्ता बनवा लिया है और बरिस्ता बनाने के बाद उसको मशीन में एकदम बढ़िया ग्राइंड वो करा दिया ग्राइंड ग्राइंड करा के यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने आपको अब ये चेक करो भाई ये फाइनली इस डिश की जान आ चुकी है बिल्कुल ये पूरी डिश की जान है मेरे हिसाब से तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जयपुर में गए आप दिल्ली बॉम्बे कहीं भी चल जाना ये नहीं मिलेगा आप जब इसके साथ लोगे ना कि वाइट तो आप कुछ सारी करो नहीं वो मेरे को पता है मैंने बहुत सारी वीडियो पाकिस्तान की देखी हुई है जिसमें इस तरह की डिश बनती है बिल्कुल ये देखो ये अपनी हल्दी डाल रहा है हल्दी डालते हुए कुछ भाई बिल्कुल मजा आ गया भाई आप उसके मसाले की रंगत भी देखना हल्दी के साथ हमने जब हल्दी डाली है पाँच पाँच मिनट उसके बाद अपन इसको ये अपन पानी लगाएंगे ग्रेवी के लिए हाँ ग्रेवी के लिए इसमें क्या आप इसकी खुशबू चेक आउट करोगे आप इसकी रंगत भी देखो ओए भाई क्या आइटम बन रहा है यार अब देंगे अपन धनिया एंड में बिल्कुल भाई बिल्कुल एंड में धनिया आ गया भाई जले नहीं है बिल्कुल भी जलेगा नहीं काला नहीं करेगा यार ये भी बिरयानी है ये तो ये कम की नहीं रहते मतलब आप इसकी खुशबू देखो देखो अपनी मिर्ची इसलिए डाले जिसको टीका खाना बदल दे तो एक बार ब्राइट इससे लेके पूरा उसमें मसाले बहुत टीका बना खेले गए बहुत खेले गए भाई ये थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची डाल दी हल्की सी कच्ची रहेंगी हल्की सी पकी रहेंगी बड़ा शानदार जाएगी भाई भाई आपके पास चलते पूरे मैग में लगा बताओ आई नहीं बुला का जाएगा आई नहीं कुछ नहीं बताओ बहुत ही शानदार
भाई आपने देखा कि हर चीज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाते हैं, कुछ तामझाम नहीं, जो चीज एक्चुअली इसमें डालनी चाहिए वो चीज डालते हैं और उस तरीके से ही जायका आता है। भाई कुछ भी कहो, कोई भी चीज बनती है ना, कोई भी डिश बनेगी ना, उसके अंदर माल डलता है तभी जायका आता है। तो ये भाई बन के रेडी है ऑलमोस्ट। अब एक बार थोड़ा सा दम और लगेगा इस पे हमारा चना गोश्त। बिल्कुल बिल्कुल चना गोश्त नहीं आ रहे बिल्कुल, ठीक है ना, और ये आपके लिए सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आप चेक कीजिए, क्या बात है भाई साहब, हिसाब चेक करो गाइस। बिल्कुल ये आप चेक कीजिए राजा भाई, आजकल लेके लेके खिलाओगे। बिल्कुल हमारे शब्बीर भाई भी तो आए ना, बिल्कुल यार दुआ से, बिल्कुल उनको भी तो पता लगे राजा भाई का दिल कैसा है। नहीं राजा भाई का दिल तो उनको पता है वैसे, है भाई शब्बीर भाई। बिल्कुल।